हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं फाइव क्लास फाइव और सिक्स का लिए कॉमन टॉपिक डेटा हेल्डिंग। देखिए, सबसे पहले आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए होता है। आपका एक रॉ डाटा गिवन है, जैसे 10, ये रॉ डाटा है। इससे आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देख कैसे होती है। सबसे पहले आप लोग एज गिवन है 25 स्टूडेंट्स की, आपने क्या लिखा, एज बना ली, एज कॉलम बनाया, टेलीमार्क बनाया, फ्रीक्वेंसी, तीन कॉलम बने आपके। एज कितना है, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखते हैं 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो टेलीमार्क कितना, 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7, 1, 2, 3, 4। जब आप टेली मार्क लगाएंगे तो 5 पे इसको क्रॉस काटना पड़ता है, ये 5, 6, 7, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 7। फिर एज 12 की कितनी है, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 पर क्रॉस काटेंगे, 1, 2, 3, 4, 9, तो फ्रीक्वेंसी 9। 13 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, तो टेली मार्क 4 हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 4। 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, तो 1, 2, 3 टेली मार्क हो गया, फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। अब इससे कुछ क्वेश्चन है, टोटल देखेंगे हमारा कितना है, 25, इनको ऐड करके देखेंगे, अगर ये 25 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज कितनी, क्वेश्चन है इसमें, मैक्सिमम एज कितनी है, 14 ईयर। मिनिमम एज कितनी है, 10 ईयर। एक फार्मूला होता है रेंज निकालने का, इसमें रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर 14, मिनिमम नंबर 10, आंसर क्या आता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बनाना है पिक्टोग्राफ। जब पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, जब आपको किसी में इसमें बनानी पड़ती है पिक्चर, क्या बनानी पड़ती है, पिक्चर। जैसे फ्रूट गिवन है बनाना में, मैंगो, मेलन, एप्पल, ऑरेंज एंड पाइन एप्पल। बनाना कितने हैं, 20, मैंगो 10, मेलन 25, एप्पल 10, ऑरेंज 10 और पाइन एप्पल 5। अब इतना बड़ी पिक्चर बनाना पॉसिबल तो है नहीं, 20 बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं 100 बनानी पड़ती है, तो इसलिए आपको कंसिडर करेंगे, लेट कर लेंगे कंसिडर। एक मैंने एक पिक्चर बना ली 0, या ओ कह लें, आप कुछ भी बना सकते हैं, एक छोटी सी पिक्चर इज इक्वल टू 10 फ्रूट के बराबर ले ली हमने। जैसे बनाना कितने हैं, 20, तो कितने पिक्चर बनाई आपने, 2। मैंगो कितने हमारे पास, 10, तो एक पिक्चर बन गई। मिलन कितने हमारे पास, 25, तो 1, 2 और ये हाफ, तो 25 हो गए। एप्पल कितने हैं, 10, तो एक पिक्चर। ऑरेंज कितने हैं, 10, एक पिक्चर। पाइन एप्पल कितने हैं, 5, तो हाफ पिक्चर। ये हमारा पिक्टोग्राफ पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द बार ग्राफ। ये आपको फिफ्थ से स्टार्ट होता है आपके यहाँ बार ग्राफ। सबसे पहले इसमें ये गिवन है ईयर और रिजल्ट परसेंट में, ये इसका हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। ये बार ग्राफ जो बनता है, आपको वन बॉक्स का स्पेस देना पड़ता है। इसमें भी लाइट करेंगे, देखिए 100 है हमारे पास, 100 तो ले नहीं सकते आप, बहुत बड़े, तो आपने लाइट करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रिजल्ट 10% रिजल्ट यूजिंग द बार ग्राफ। तो ये 0 होगा जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूसरे को टच करती है, उसको आपने ओरिजिन कह दिया ओ। अब हम देखते हैं हमारे पास कितना है, 75 है, 75 नंबर। तो एक बॉक्स कितने के बराबर लिया, 1 सेंटीमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सून। ये रिजल्ट परसेंट में है, ये ईयर है। तो सबसे पहले 75 को आप इसको यहां से मिलाएंगे, फिर एक बॉक्स आपको ओपन कर छोड़ना है खाली, फिर नेक्स्ट बॉक्स पे कितना लेंगे, 98, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। फिर इसी तरह आप बनाते जाएंगे हमारे रिजल्ट की तरफ, ये हमारा बार ग्राफ बन जाता है। ओके, फाइन, थैंक यू।